टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी के शांति नगर में ओए लंबू कहकर बुलाना एक दोस्त को इतना भारी पड़ गया कि दोस्त ने चाकू मार कर दोस्त की जान ले ली। ये पूरा मामला भिमंडी के शांति नगर के नूरीबाग का बताया जा रहा है कि मृतक असगर शेख और उसी के दोस्त जो आज़ाद नगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम समीर शेख है, इन दोनों के बीच में दोस्ती भी थी, मगर इसके बावजूद दोनों में किसी बात को लेकर कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। मगर बताया जा रहा है कि असगर कल रोड के किनारे रात के समय खड़ा था और इसी दौरान समीर शेख अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी असगर ने समीर को ओए लंबू कहकर बुलाया। लंबू कहकर बुलाना समीर को इतना बुरा लगा जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान समीर ने चाकू मार दिया असगर को और स्थानीय लोगों ने इसे तत्काल अस्पताल ले गए, मगर उसकी मौत हो गई। पुलिस समीर और उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी। जुम्मन के पास न्यू आज़ाद नगर एरिया में एक 19 साल का अजगर मंजूर शेख है, उसका 4 लड़कों के साथ वहां पे झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो लड़कों ने उसे स्टैबिंग किया, चाकू से मारा और वहां पे उसकी डेथ हो गई। तो उसमें हमने 3 आरोपियों को ताबड़तोड़ अरेस्ट किया है। मोहम्मद तौसीफ उर्फ लंबू मोहम्मद, मुजफ्फर अंसारी 21 साल उम्र है, मोहम्मद तौफिक मोहम्मद दारू अंसारी 20 साल है और मोहम्मद खुर्शीद नाना भैया इजर मुन्ना अंसारी, ये सब रहने वाले गायत्री नगर भिवंडी के। इनको तीनों को ताबे में लिया है और उसमें से एक जो आरोपी है वो कलवा हॉस्पिटल में, कलवा में वो एडमिट है, इसलिए उसको अभी तक लिया नहीं है। तो ये अच्छी कामयाबी मिली है।